भुंतर से लगभग 13 किलोमीटर आने के बाद वही यहाँ पे कैंप किया था। नमस्ते। बट मौसम भाई शानदार हो रहा है। जिस भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी थी ना, वो हमें 1 किलोमीटर आगे ले गए थे। What do you think? I think that we can go. Yes, only 12 kilometers. Okay. Heavy वाला रेन हो रहा है, खतरनाक वाला। Full of rain. हाँ जाएगी जाएगी, सीधी जान दो। नहीं नहीं नहीं, अब निकल ये है ना, नीचे लेनी पड़ेगी। अच्छा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा था भुंतर के गुरुद्वारे, बट रास्ते में मेरे को अंकु भाई मिले थे और उन्होंने यार मेरे को सजेस्ट किया कि अभी 5 किलोमीटर है यहाँ से, लेट नाइट हो गया तो गुरुद्वारा ना जाके आप यहीं पर रुक जाओ। तो भाई इधर रुका था मैं, पीछे की तरफ अंकु भाई का ढाबा है और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह चलती है। देखो नीचे की तरफ उनका घर है और कुछ ऐसा नज़ारा भाई। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा गुरुद्वारा, वहाँ दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहिब के, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कसोल की तरफ, कसोल से फिर मणिकर्णी का जाएंगे। मॉर्निंग का लगभग 8 बजा हुआ है। यहाँ से जो ट्रैक देख रहे हैं आप पीछे, ये है अराउंड 28 किलोमीटर का। तो अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया 10 बजे, अभी पहले जाऊँगा कसोल और फिर देखता हूँ अगर मणिकर्ण साहिब गया तो, बट कसोल तो जा ही रहा हूँ। तो देखते हैं कब तक कहाँ पहुँचते हैं। नीचे देखो बढ़िया वाली रिवर है, आई थिंक ये व्यास है, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई इस तरफ। और ये है अपनी पूरी भुंतर की वैली, देखो भाई इसके पीछे ही है अपना जो वो है, क्या बोलते अपना यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब थर्टी किलोमीटर में से अभी 7 किलोमीटर का लगभग ट्रैक कर चुका हूँ मैं अभी, और भी लगभग यहाँ से 23-24 किलोमीटर है। अभी बीच में देखूँगा कहीं, वहीं पे रुकूँगा आज। एक दिन में तो पूरा 30 किलोमीटर का ट्रैक होगा नहीं, पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि कहीं बीच में रुका जाए। अभी 1 के अराउंड टाइम हो गया है और भुंतर से जो कसोल की डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है भाई, 30 में से 7 आया हूँ अभी। और ये सब खूबसूरत नज़ारे हैं भाई इधर। लगभग यहाँ से बचा हुआ अभी ट्रैक अपना, अभी ऑलमोस्ट आधा आ गया हूँ मैं कसोल के लिए और आधा सफ़र बाकी है। बट यहाँ पे रास्ते में आज कैंपिंग करने का सोच रहा हूँ। ये देखो भाई कुछ ऐसी जगह है, उस तरफ सोच रहा हूँ कैंपिंग वगैरह करूँ। वो बढ़िया खूबसूरत प्लेस है भाई, ये देखो इधर भी रिवर है। मतलब ये जरी से मेरे को लगता है 5-6 किलोमीटर पहले ही होगा। तो आज यहाँ पे कैंपिंग और कुकिंग करूँगा और उसके बाद कल जाऊँगा कसोल की तरफ। बड़ा प्यारा वाटर है भाई, देखो बड़ी प्यारी जगह, ये देखो भाई। तो भाई आज का आशियाना है ना मेरा ये वाला है, ये टेंट है भाई अपना, ये तंबू लगा हुआ है और आज यहाँ पे स्टे किया जाएगा भाई। ये देखो नज़ारे, ये पहाड़ों के नज़ारे भाई इस तरफ देखो। ऊपर अपना रास्ता है ना, जो वो रास्ता गया ऊपर से कसोल की तरफ, और वो ब्रिज है भाई। यहाँ से सुबह मॉर्निंग में चढ़ के अपन कसोल की तरफ जाएंगे। मतलब आधा रास्ता तो मैंने बताया जैसे कि तय कर लिया और आधा रास्ता बाकी है। तो उसके बाद सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से, लगभग मेरे को लगता है 8-9 के आसपास, जैसा भी पॉसिबल होगा। तो आधा रास्ता तो आज बहुत बढ़िया कवर कर लिया, लगभग 9:30-10 के आसपास निकला था मैं और 4 के आसपास, मतलब 4:30-4 के आसपास आ गया हूँ मैं। मॉर्निंग में मेरे को लगता है हिचाइकिंग वगैरह करूँगा तो पहुँच जाऊँगा। और कुछ ऐसे टेंट लगे हैं भाई, अभी कुकिंग वगैरह करूँगा और नहाते धोते हैं, सुबह से नहाए धोए नहीं है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, बढ़िया सी प्लेस मिल गई एकदम शांति वाली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताना।
गुड मॉर्निंग गाइस, कसोल लगभग यहाँ से बचा है 15 से 17 किलोमीटर, और कल निकला था मैं भुंतर से, भुंतर से लगभग 13 किलोमीटर आने के बाद वही यहाँ पे कैंप किया था। ये है डियाना। हाय डियाना। हाय, नमस्ते। डियाना पोलैंड से है, और ये भाई दो कैंप लगे हुए हैं यहाँ। देखो व्यू, देखो आप पीछे। तो हम लोग जा रहे थे यार कसोल की तरफ, यहाँ तो आइधर कसोल वीकेंड को और या फिर मलाना, दोनों में से कहीं जाएंगे। या मलाना, तो दोनों में से कहीं जाएंगे, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है ये, दोनों में से कहीं एक जगह अभी जाएंगे, उसके बाद फिर, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग है, तो पहले यहाँ तो मलाना जाएंगे या फिर कसोल जाएंगे। तो भाई सुबह योगा वगैरह चल रहा है अपना डियाना का, और कुछ ऐसा नज़ारा देखो भाई ये इस तरफ, और बड़ी खूबसूरत सी कैंपिंग थी यहाँ पे, ऐसी कैसा नज़ारा है, पीछे भी गांव है भाई। तो अभी टेंट वगैरह पैक करेंगे, कुछ ओट्स वगैरह कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे, देखते हैं, और फिर यहाँ से चलेंगे, अपने सफ़र को बढ़ाएंगे आगे। आप यूट्यूबर तो नहीं है? मैं यूट्यूबर हूँ, घूमते घूमते मैडम को मिल गया, बोले मिली हुई हेलो। ज्यादा ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, बढ़िया थी। निकल चुका हूँ अपनी कैंपिंग साइट से, वहाँ पे पुट किया था कैंप, और बाय बाय करते हैं इसको और निकलते हैं अब बाहर की तरफ। वो मेन रोड से जाना है ऊपर, वो है अपना ब्रिज, वहाँ से ऊपर जाके वो रास्ता लूँगा। देखो मलाना जाऊँगा पहले, फिर जाऊँगा कसोल, लेट्स सी। बढ़िया मौसम था यार भाई रात का, ना ज़्यादा ठंड थी ना गर्मी थी, मज़ा आ गया कैंपिंग का तो पूछो मत, बढ़िया लोकेशन थी एकदम, बहुत मज़ा आया। चलते हैं ऊपर भाई, अभी निकले थे इधर से तो थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लिया शॉप पे, और उसके बाद निकले। बारिश का मौसम हो गया भाई, देखो ऊपर बादल बादल हो रहा भाई, देखो उधर माउंटेन है भाई, वहाँ पे दिख रहा पानी पानी अभी। और आई होप मलाना की तरफ जाएंगे तो बारिश वगैरह दिखेगा, कोई ना चलते हैं, फ़ोन वोन चार्ज कर लिया, 12 बजा है अभी, लगभग 6-7 घंटे हैं दिन के, देखते हैं हिचाइक करते हैं और फिर निकलेंगे, क्या मिलता है नहीं मिलता है। बट मौसम भाई शानदार हो रहा है, कल तो गर्मी थी, आज अच्छा मौसम हो गया, तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी चलने में। अभी मेन रोड आ गया नीचे से, देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी बारिश का नाम लिया है, देखो यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं, और कोई गाड़ी रुक नहीं रही अभी। He's just try for a hitchhiking. Lady Gaga.
तो भाई रास्ते में अभी रुके हुए थे, यहाँ से स्प्लिट होगा, वन वे इज़ मलाना एंड अनदर वे इज़ कसोल। तो भाई के साथ अभी रुके हुए हैं, चाय पानी करेंगे भाई, चाय पानी करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। क्लासिक प्लेस है भाई, क्लासिक। The river is super strong. The current. I'm sorry. Nice. Great for rafting. This is nice. यहाँ पे जो है ना, ये नदी है जो पार्वती नदी है, और भाई खतरनाक भाव है यहाँ पे। ये देखो, वहाँ पे जो कैंपिंग की थी ना, वहाँ पे भी ऐसे ही भाव था, और यहाँ पे भी सेम भाव है। बट इधर है ना भाई, ये अच्छा बना हुआ है यहाँ पे तैरने का, यहाँ पे लोग आ रहे हैं खतरनाक तरीके से। ये भाई पाथवे बना हुआ है यहाँ पे खतरनाक वाला, और बढ़िया सीन है भाई। अभी यहाँ से लगभग मौसम भी बढ़िया हो गया पानी का, और व्यू भी शानदार हो रहा है। ये देखो पीछे की तरफ पाँव, पीछे से अभी ये पीछे से आ रहा हूँ, नीचे से। अभी ये मेन ऊपर से रास्ता गया है जो कसोल की तरफ गया है, और ये कटा है यहाँ से मलाना की तरफ। मलाना भाई यहाँ से 12 किलोमीटर है, और जिस भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी थी ना, वो हमें 1 किलोमीटर आगे ले गए थे, और वापस वहाँ से ट्रैक करके आए हैं। अभी ये रास्ता सही पकड़ा इधर से, अभी ट्रैक करके यहाँ से जाएंगे भाई मलाना की ओर। 12 किलोमीटर है, देखते हैं कोई व्हीकल मिला तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन वॉक, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। आई थिंक दैट वी कैन गो, यस, ओनली 12 किलोमीटर, इट्स ओके। सो भाई बारिश ने सुबह से परेशान कर रखा है। अभी फिर मलाना के रास्ते पे लगभग 1.5 किलोमीटर आए थे, और फिर बारिश आ गई है। देखो भाई पहाड़ों का मौसम ही चेंज हो गया। ये देखो भाई इस तरफ जाना है, मौसम तो खतरनाक हो रहा है भाई। अभी लगभग कितना बजा होगा, अभी बजा है लगभग 3:30 के आसपास। मौसम देखो ऐसा लग रहा है कि 7:30 बज गया हो, 6 बज गया हो, पर कोई गाड़ी नहीं है। ट्राई कर रहे हैं भाई हिचहाइकिंग के लिए, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, जाते हैं कोई प्लेस ढूंढते हैं और फिर कैंपिंग करते हैं। जी बोलो। तो भाई फाइनली भाई साहब मिले हैं, और मलाना जा रहे हैं अभी। लगभग 4:30 के आसपास लिफ्ट मिला है भाई साहब से। भाई हेवी वाला रेन हो रहा है, खतरनाक वाला, फुल ऑफ रेन। देन भाई साहब रुके और बोले कोई बात ना यार, बैठ जाओ, बिकॉज लगता है कि रेन आज खतरनाक होगा आज। ओके बाय। चलो लिफ्ट रखो, अपनी शक्ल तो मैंने दिखाई नहीं, तीजो कसम लगो मेरी, तीजो कसम लगे ठंडी का, तीजो कसम लगे भाई अपनी साइड जा कर। हाँ जाएगी जाएगी, सीधी जान दो। नहीं नहीं नहीं, अब इतनी की ये है ना, नीचे लेनी पड़ेगी। अच्छा, अरे उसने फंसा दिया ना, नहीं तो ये निकल जानी थी। इस साइड देखो वाला, हाँ ठीक है, इधर ठीक है जगह है, जान दो इधर नीचे जान दो। गाड़ी की भी फजीहत है भाई इधर तो, अच्छी वाली गाड़ियों की वाट लग जाए यहाँ तो। बाप रे,
But two road, dangerous road. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as they can. तो भाई मलाना गांव का जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक भाई गाड़ियाँ आई हैं। अभी यहाँ से जाएंगे नीचे से लगभग ट्रैक करके पीछे की तरफ जाना है, तो भाई यहाँ से एंटर होगा ये रास्ता, यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ। ऐसा कुछ ट्रैक है भाई, वही इधर से जाके वो वहाँ जाना है, वहाँ मेन है, वो देखो वहाँ जाना है भाई। तो भाई ट्रैक करते हैं और निकलते हैं मलाना की तरफ। आई थिंक एक घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। गो माय बेबी ओपन। हेलो हेलो। ये सर रास्ता भाई खतरनाक वाला, देखो थोड़ा सा ट्रैक है, चलते हैं, बट स्लीपरी है यार बहुत सारा। कोई ना, पानी वानी ले लिया, बढ़िया। तो भाई रास्ता बड़ा स्लीपरी है, बट धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी लगेगा लगभग 45 मिनट, बट व्यू शानदार है भाई, देखो। अभी टेंट वगैरह पिंच करना है और फिर निकलना है, फिर कुकिंग वगैरह करके कुछ बना के खा के सो जाएंगे, सुबह विजिट करेंगे मलाना। ऐसा रास्ता भाई देखो, एक ब्रिज भी है छोटा सा यहाँ पे। ये देखो भाई वहाँ जाना है ऊपर।